वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है। देखो एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, बट अगर हम लोग कंसंट्रेटेड यूज कर लेते हैं तो कुछ और बात होता है। देखो स्पीशीज कौन कौन से हैं, H+ है और कौन है HSO4- है और एक है वाटर बोल ले या फिर OH- बोल ले। इलेक्ट्रोलिसिस के समय ये जो इलेक्ट्रॉन आया और यहां से जो इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन H+ को मिलता है, तो H+ गेन्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस ½H2। ठीक। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो वाटर इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 बनाएगा। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पर अगर कंसंट्रेटेड हो जाए तो ये लूज करता है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ये लूज किया और O2 गैस इवॉल्व हुआ और कुछ इलेक्ट्रॉन ये लूज किया और परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो देखो आगे रिएक्शन लिखते हैं। एक रिएक्शन ये है, थोड़ा इसको कन्वर्ट करते इसमें 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। एक ये रिएक्शन हो गया कैथोड का। एनोड में एक रिएक्शन होगा H2O गोज टू O2 और प्रॉपर बैलेंसिंग कीजिए तो होगा 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक रिएक्शन है कि दिस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन HSO4-। तो देखो HSO4- जब लूज करेगा तो H2S2O8 बनता है, H2S2O8 बनेगा और यहां पे 2 यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से यहां कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। ठीक है, तो देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। कैसे, मैं दिखा देता हूं। ये रहा अपना HSO4-, O-, ये अपना रिएक्टेंट है, तो ये रहा एक और रिएक्टेंट, ये एक और HSO4-। होता क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दोनों मिलकर ये बना लेते हैं, परॉक्सी लिंकेज चला आया ना। सो देखो ये सारे ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं किए, ये पहले -2 में था, ये -2 में था, अब -1 में है और -1 में है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दोनों मॉलिक्यूल ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ आएगा +2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज यूज फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको पानी में मिलाएंगे तो आपको H2O2 मिलता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है। हाइड्रोजन चैप्टर में NCERT में दिया हुआ है, देख लेंगे। अब देखो बोला है हाइड्रोजन इवॉल्व इज, यहाँ पे H2 इवॉल्व हुआ, यहाँ पे H2 इवॉल्व दिया हुआ है वॉल्यूम और O2 इवॉल्व का वॉल्यूम दिया है। देखो H2 इवॉल्व अगर मोल में निकालेंगे तो आएगा 10.008 by 22.4। इसको करके देखिएगा 0.5 आएगा, सो 0.5 मोल। तो H2 कितना इवॉल्व हुआ, 0.45 मोल। O2 दिया है 2.24 लीटर, तो O2 कितना इवॉल्व हुआ है, 0.1 मोल। सो दिस इवॉल्व इज 0.1 मोल। हम लोग से पूछा है ये कितना ग्राम में बनेगा। देखो कैथोड में जितना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, एनोड में उतना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सो यहाँ पे 0.45 मोल ये प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पर ये कितना गेन किया, 0.9 मोल। सो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, ठीक है स्पेलिंग गलत है देख लीजिएगा, एट कैथोड इज इक्वल टू 0.9 मोल।
Now electron exchange at anode should be also equal to 0.9, ठीक है। तो ये 0.1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 0.4 मोल हो गया। यहाँ हमें नहीं पता ये कितना बना, लेट से ये एक्स मोल प्रोड्यूस हुआ तो ये कितना बनेगा, एक्सचेंज होगा 2x मोल। तो एनोड में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एक्सचेंज हुआ, कुछ यहाँ हुआ और कुछ यहाँ हुआ, सो टोटल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एट एनोड शुड बी इक्वल टू 0.4 + x होगा, दोनों इक्वल, सॉरी 0.4 × 2x है, 2x। अब दोनों को इक्वल करेंगे तो होगा 0.9 = 0.4 + 2x इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.5/2 होगा ना। अब हम लोग को इसका मोल मालूम है प्रोड्यूस कितना हुआ, तो इसका मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो H2O8 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मेरा आएगा, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S2O8 कीजिए, आएगा 97 × 2, H2SO4 का 98 होता है, इसका 97 × 2 हो जाएगा, तो मास ऑब्टेन विल बी 0.5/2 मोल इंटू मॉलिक्यूलर इज 97 × 2, सो ये 2 2 कैंसल हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 97 × 0.5, सो दिस विल बी 48.5, तो मास ऑब्टेन विल बी 48.5। बट हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग से बोला है इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर पे, आंसर भले 48.5 आया है बट आपको बोला इंटीजर रिपोर्ट कीजिए। अब देखो राउंडिंग ऑफ में ये 0.5 आया हुआ है ना, तो जब 0.5 होता है उसको राउंड ऑफ करना होता है, तो रूल क्या है, उसके पास का इवन नंबर हम लोग को लिख देना है, तो 48.5 को मैं 49 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो ऑड है, 48.5 को मैं 48 लिखूंगा, सो आंसर लिखना होगा 48, इवन के पास जाना होता है अगर 0.5 को राउंड करना है तो, ठीक है, थैंक यू।